हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लेके आए हैं मशीन सीरीज का तीसरा वीडियो जो कि है पुलिस के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आपके सबसे पहले हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए आपके चैनल के। सो ऐसे ही वीडियोज को शेयर करते रहिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। और देखिए कि जितना ज्यादा लोग इसको पढ़ पाए, क्योंकि हमें फ्री पूरी की पूरी 10th क्लास की पूरी फिजिक्स और मैथ्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो नीडी है उनको ये पहुंच सके। ओके, तो कीप शेयरिंग, कीप लविंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पुलिस, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो पुलिस में ऐसा कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं आज इसी कंसेप्ट में। हम सारे ट्रिक्स के सारे कंसेप्ट की बात कर लेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा पुलिस में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पुलिस का। सबसे पहले हम बात करें सिंपल पुलिस की। ठीक है, सिंपल पुली हमारे पास कैसी दिखाई देती है। दिस इज सिंगल फिक्स पुली। ओके, फिक्स पुली हमारे को ऑफकोर्स हमें पता है पुली कैसा दिखाई देता है ना, कुछ शक्ल उसकी ऐसी होती है ना, ये हो गया पुली। ओके, तो इस पुली की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, इसके एक तरफ लोड लटकाते हैं। ठीक है, दिस इज लोड, और एक तरफ से हम क्या करते हैं इसमें एफर्ट लगाते हैं, है ना। अच्छा, ऐसे क्यों करते हैं हम। देखो, हम चीजों को ऐसे भी तो उठा सकते हैं, लेकिन वो चीजों को उठाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम चीजों को नीचे की तरफ फोर्स लगाएं, एफर्ट हमारा नीचे की तरफ लगाएं, तो वो ज्यादा आसानी होती है। इसलिए जो हमारे पुली है, एक तरीके की मैकेनिकल डिवाइस है जिसका हमने इजाद किया गया, जिसका हमने इन्वेंशन किया, जो हमारे काम को ज्यादा आसान कर दे। पुली का बेसिकली काम ही है कि हमारा जो लगाया हुआ एफर्ट है या हमारा जो लगाया हुआ फोर्स है उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर दे। ओके, सो नमस्कार। देखो, अभी लोड है, ये हमारे पर लोड है, एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमारे इस डायरेक्शन में लग रहा है एफर्ट। तो देखो, हमेशा दो चीजें होती हैं एफर्ट को, जो हम इस पूरी के पूरे कंसेप्ट में पढ़ेंगे, हम लोड या एफर्ट नहीं पढ़ेंगे, हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज टेंशन। तो देखो क्या है, अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, तो जो आपने पहले वीडियो में बात किया मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमें ये बता रहा है कि कोई भी मशीन क्या हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है, अगर हाँ तो कितना गुना फोर्स मल्टीप्लाई कर रही है। ओके, तो देखते हैं। तो मटेरियल एडवांटेज की हम बात करें तो मटेरियल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास लोड अपॉन एफर्ट। यस, इट इज लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, और लोड यहाँ पर कितना हो गया, देखो हमारे पास अब लोड को हम लोड नहीं कंसिडर करेंगे। देखो, इस लोड को बैलेंस किसने किया हुआ है, कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है ना, और जब उसमें नीचे खींच रहे हैं तो यहां से नीचे कितना फोर्स ऊपर की तरफ बैलेंस किस वजह से हुआ है, टेंशन। ठीक है, तो टेंशन इज द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से ये बैलेंस हो रखा है। ओके, तो ये टेंशन कहाँ लगा है। देखो, अब एक चीज हमेशा याद रखना, पूरी लाइफ में आगे की हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे, लेकिन ये कंसेप्ट तुम्हारे बहुत काम आएगा कि टेंशन हमेशा एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब हमेशा किसी पॉइंट से और किसी के पॉइंट मास से दूर की तरफ लगता है। ओके, पॉइंट मास नहीं कहो, थोड़ा किसी भी हम कहें कि किसी भी बॉडी से दूर की तरफ एक्ट करता है। ओके, तो देखो, इस पर लगने वाला फोर्स जो है वो टेंशन है, और एफर्ट जो हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो हमारे हाथ को से अपोजिट डायरेक्शन में भी कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन। ओके, तो टेंशन हो गया, तो लोड कितना हो गया हमारे पास, टेंशन टी, और ये एफर्ट भी हो गया टी, विच कैंसिल्स आउट मींस वन। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 आई। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 आई है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो ना तो फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है और ना ही हमें गेन स्पीड दे रहा है। वो क्या दे रहा है हमें, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, और कैन सी इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जाके YouTube पे टाइप करो मशीन 01 मैथ्स अंकल, आपको मिल जाएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज की केसेस क्या होते हैं, मैंने वहां पे समझाया। ओके, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैकेनिकल, तो यहां पर क्या हुआ कि इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, और कैन से द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, तो यहां पर हो गया। अब अगर बात करें हम वेलोसिटी रेशियो की, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड। और कई बार ये भी कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, लेकिन यहां पर हम सीधा बोले डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड। तो कितना डिस्टेंस एफर्ट मूव कर रहा टू द रेशियो, कितना डिस्टेंस लोड मूव कर रहा। तो जब हम नीचे मूव करेंगे, जितना यहां से यहां तक, सपोज करो यहां से यहां तक एफर्ट आया, तो इतना ही ऊपर चला जाएगा, है ना, इतना ही ऊपर चला जाएगा, है ना, उतना ही जितना ही नीचे आएगा उतना ही ऊपर चल जाएगा। तो अगर एफर्ट एक्स है, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट एक्स है, तो डिस्टेंस मूव बाय द लोड भी एक्स है, इस कैंसिल्स आउट, तो यहां वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू भी 1 आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि बॉडी कितने परसेंट एफिशिएंट है, मतलब बॉडी की जो मशीन है या कैसे पुली है उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी होगी, मैकेनिकल एडवांटेज इज 1 एंड वेलोसिटी रेशियो इज 1, सो इट इज 100%। यानी कि हम इस मशीन की बात कर रहे हैं कि जो ये मशीन है 100% है एफिशिएंट, लेकिन
ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये जो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं या तो ये मासलेस हो, और मासलेस होगी तो फिर भी इस स्ट्रिंग के बीच में और इस पुल्ली के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो। फिर कैसे अजीब सी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये पुल्ली घूमेगी कैसे भैया, है ना? क्योंकि जब इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा तो ये रस्सी तो ऊपर से निकल जाएगी, है ना? फ्रिक्शन कोई होगा नहीं तो ये पुल्ली घूमेगी नहीं। तो दिस इज आइडियल कंडीशन, लेकिन ऐसा होता नहीं। ओके, तो चलो इसको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस, दो पुलिस की बात कर रहे हैं, जो भी एक फिक्स है और एक मूवेबल है। तो मान लो कि हमने क्या लिया है, एक सेटअप ले लिया, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, चलो पहले मूवेबल पुलिस की बात कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मूवेबल पुलिस की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो मूवेबल पुलिस क्या होता है, जो मूव कर सकता है। तो मान लो हमने क्या करा, यहाँ पर एक पुलिस बना दी, ठीक है? ये हो गई पुलिस। अब इसको हमने यहां से लटका दिया, ये हमने इसको लटका दिया, और हमने इसमें लोड बांधा हुआ है यहाँ पे, दिस इज लोड। और इसको हम खींच कहां से रहे, यहां से, ठीक है? यहां से इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पुली अब नीचे लगी हुई है, हम इसको ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसका एफर्ट जो है वो कहां लग रहा है, ये है एफर्ट, ठीक है? अब इसकी बात समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है। तो भाई लोड नीचे लगा हुआ है, लटका हुआ है, तो इसको बैलेंस करने वाली फोर्सेस कौन कौन सी है? देखो कोई चीज ऐसे लटकी हुई है, देखो अगर तुम किसी चीज को दोनों हाथ से ऐसे उठा के रखोगे तो तुम्हारे दोनों हाथों में कुछ फोर्स फील होगा, होगा नहीं होगा? जब किसी चीज का ऐसे उठा के रखोगे तो दोनों हाथों में कुछ फोर्स फील होगा, और वो फोर्स क्या होगा? यहाँ पर इसको उठा रखने में जो फोर्स यूज हो रहा है वो कौन है? टेंशन। तो एक टेंशन इसको यहां से पकड़ा हुआ है, और एक टेंशन इसको यहां से जकड़ा हुआ है कि नहीं? दो टेंशन इसको ऐसे उठा रखा है, इतनी बात है, समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम एफर्ट लगा रहे हो ऊपर की तरफ, तो ये जो एफर्ट तुम ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो यहाँ भी इस पॉइंट से हमें एक टेंशन लग रहा होगा, तो यहाँ भी एक टेंशन लग रहा होगा जिसको एफर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2 आई है, ठीक है? तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या है, दिस एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि देखो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है? तो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करने से क्या होता है, यानी कि हम क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, फोर्स मल्टीप्लायर का है, ठीक है? लेकिन यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज 2 का ये मतलब है कि हमारे लगाए हुए फोर्स को, और अगेन से हमारे लगाए हुए एफर्ट को वो 2 टाइम्स कर दे रहा है, ठीक है? हमारे लगाए हुए फोर्स को वो 2 टाइम कर दे रहा है, तो यानी कि जितना फोर्स लगाएंगे उसको वो 2 टाइम्स कर देगा, तो इसका यही मतलब है यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लायर का, ओके? तो यही तो हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज की कहानी। अब अगर बात करें वेलोसिटी रेशियो की, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड। देखो एफर्ट कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम एफर्ट को कितना मूव करा रहे हो, तो सपोज कर देखो यहाँ पर अगर इसी का छोटा वर्जन एक मैं यहाँ पर बनाऊं, इसको मैं थोड़ा छोटा सा बनाऊं, मान लो ये हमारी पुली थी, पहले यहाँ पर लोड लिखता हुआ था इसे, ठीक है? अब अगर जब मैंने एफर्ट यहाँ पर लगाया, लोड यहाँ था, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, सपोज करो लोड यहाँ पर पहुंच गया, पुली यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है? लोड की भी कहानी यहाँ पर होगी, तो ये क्या होगा कि यहाँ से कितना डिस्टेंस मूव किया एफर्ट लगाने पर, ये डिस्टेंस कितना मूव किया है एक्स, और एफर्ट हमने कितना लगाया, जब हम एफर्ट डबल लगाएंगे तो ये आधा मूव करेगा, ये गेटिंग द पॉइंट? तो भाई यहाँ पर एफर्ट देखिए, तो एफर्ट हमने जब लगाया तो कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, एक्स प्लस एक्स ऊपर चल जाएगा, और लोड सिर्फ कितना ऊपर जाएगा, एक्स ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस तो एक्स है, तो लोड जो है सिर्फ यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस मूव किया, लेकिन एफर्ट लगाने की वजह से रस्सी पूरी यहां से यहां तक एक्स प्लस एक्स चली गई, तो यानी कि ये डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स डिस्टेंस मूव कर गया, और वहीं पर लोड देखा तो सिर्फ यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस मूव किया, ये x हो गया, ये कितना हो गया 2x upon x which is again 2। तो velocity ratio की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 2 आई। यहां से अगर इसके एफिशिएंसी निकालना चाहे तो कितनी आएगी, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, जो कि अगेन कितनी हो गई 2/2 which is again 1 which means 100%। तो ये भी केस क्या दिखा रहा है कि 100% आइडियल मशीन का, जो कि आगे ये होता नहीं है, लेकिन हम आइडियल मशीन का ही केस पढ़ते हैं, ओके? तो बात समझ में आई कि कैसे हुआ। अरे तुम अब बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो अपने मन से, जैसे कितने भी क्वेश्चन करना चाहो, अगर जैसे समझ लो कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक सिंगल मूवेबल पुली लगा दूँ, एक सिंगल फिक्स पुली लगा दूँ, तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो लोड यहाँ पर मान दिया, तुम यहाँ से इसमें एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, देखो एफर्ट तुम लगा रहे हो, लोड यहाँ बांधा है, तो जो तुम एफर्ट यहाँ लगाओगे उसको बैलेंस करने वाले फोर्सेज कितने हो जाएंगे,
इतनी एफर्ट यहां से लगा रहे हो, बैलेंस करने वाला फोर्स कितना, एक टेंशन यहां पर, एक टेंशन यहां पर और एक टेंशन यहां पर, ऑलवेज आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, तीन टेंशन हो गए। तो सीधा यहां देख सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी हो गई, 3t अपॉन एफर्ट लग रहा है 50, तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू होगी 3। इस तरीके से वेलोसिटी रेशियो भी कितना आ जाएगा, 3x अपॉन x व्हिच इज अगेन 3। इस तरीके से तुम कितने कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस को हम कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। अब अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंस में बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, है ना, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। इसको अभी नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस भी कहते हैं, जब बहुत सारी पुलिस को कंबाइन करते हैं। तो कुछ नहीं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन आज सारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखो क्या करना है, चलो सर मैं क्या ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बना देता हूँ। ये मान लो मैंने तीन पुलिस लगा देता हूं, चलो यहां एक दो तीन, ठीक है, और वहीं पे एक दो, अब देखो क्या करना है। मान लो इसको यहां पर ये एक मैंने हुक भी दे दिया है, अब हमने एक स्ट्रिंग लगाई, इन सबको कंबाइन करना है। ओके, सबको कंबाइन हमें करना है, सबको कंबाइन करने के लिए हमने एक स्ट्रिंग लगाई, जिसको हमने कहां से बनाना स्टार्ट किया। अब देखो एफर्ट तुम यहीं से लगाओगे ना, तो एफर्ट लगाने के लिए सबसे पहले तुम रस्सी को यहां से डालोगे, ठीक है, फिर यहां घुमाओगे, फिर इस रस्सी से यहां जाएगी, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पर, यहां पे, आई बात समझ में, कोई मुश्किल नहीं है समझना, बहुत आसान है, ठीक है। रस्सी को यहां से डालो, वही बच्चों को रस्सी डालने में बहुत दिक्कत होती है, रस्सी में कुछ नहीं है, जहां से एफर्ट लगाना है आपने वहां से रस्सी डालना शुरू करो, सबसे लास्ट तक सारी पुलिस को जोड़ते चले जाओ, सारी पुलिस को जोड़ते चले जाओ, सारी पुलिस को जोड़ते चले जाओ, लास्ट में लाके उसके लगा दो। और जो लोड है वो कहां पे लटका हुआ होगा, लोड हमारे यहां लटका हुआ होगा, ठीक है, ये हमारा लोड लटका हुआ है यानी, और यहां पे हम एफर्ट लगा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, ये हमारा एफर्ट है, ठीक है, आया समझ में पूरा सिस्टम। अब इसकी काम कैसे करता है, ये देखो काम कैसे करता है कि सबसे पहले हम इसका वही करते हैं जो हमेशा अब तक करते आए हैं। तो सबसे पहले हम चीजों का मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे कि अगर फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है तो कितने टाइम्स कर रहा है, और क्या या क्या पता ना भी कर रहा हो, देखते हैं। तो अगर हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने चल पड़े तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी आएगी, हमें पता है क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड यहाँ पे कितना है, देखो ये लोड है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए कितने फोर्सेज यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, जितनी स्ट्रिंग्स है ना, आप उतनी स्ट्रिंग में उतना टेंशन लग रहे होंगे। हालांकि तो मार्च क्लास में पढ़ोगे जितनी, अगर स्ट्रिंग एक ही हो तो टेंशन एक ही लगता है, लेकिन यहाँ पर बार बार स्ट्रिंग जितनी जगह पर उसको बैलेंस कर रहा है, लोड तो वही है ना, तो जितना एक एक स्ट्रिंग यहाँ से उसको लोड को बैलेंस कर रही है, एक यहाँ से बैलेंस कर रही है, फिर एक ऊपर से बैलेंस कर रही है, फिर एक ऊपर से बैलेंस कर रही है, तो जितनी स्ट्रिंग को जितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं वो सारे मेंशन करो। देखो एक तो लग रहा है टेंशन मुझे ये वाला, एक स्ट्रिंग में लग रहा है टी ये वाला, एक स्ट्रिंग में लग रहा है टी ये वाला, एक स्ट्रिंग में लग रहा है टी ये वाला, और एक इसमें लग रहा है यहाँ पे पी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टेंशन हो गए, फाइव। तो यहाँ पर ये लोड की वैल्यू कितनी हो गई, फाइव टी। ओके, अगर एफर्ट कितना लग रहा है, एफर्ट तुम नीचे को खींच रहे हो, तो नीचे तुम खींच रहे हो तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है, यानी यहाँ पर लगने वाला टेंशन ये है, तो इस पर लगने वाला टेंशन एफर्ट पे सिर्फ एक टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, मतलब कितनी आ गई वैल्यू, फाइव। तो क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फाइव आई है, मतलब कि क्या हुआ कि ये हमारे ऊपर लगाए हुए एफर्ट को, ये जो पुली का पूरा सिस्टम है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ये हमारे लगाए हुए एफर्ट को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम कर ही रहा है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू वन से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, फाइव टाइम्स ज्यादा, यानी कि हमारे यहाँ वो लगा रहा है, हमारे लगाए हुए फोर्स को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। तो सोचो ना कि कितना आसान होगा इस पुली से लोड को उठाना, जब हमारे को ये फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, वो एक टाइम हमारा एफर्ट लगेगा और हमारे लगाए हुए एफर्ट को फाइव टाइम्स कर देगा। ओके, तो इसीलिए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का यूज किया जाता है, ये इसका मेन यूज है कि हमारे जो लगाए हुए एफर्ट बहुत कम एफर्ट में हम बहुत ज्यादा आउटपुट पा पाए, यानी कि बहुत बड़ा लोड ओवरकम कर पाए या बहुत बड़ा लोड उठा पाए बहुत कम एफर्ट में। चलो आगे देखते हैं, तो ऐसे वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे तो वही बात हो जाएगी कि कितना डिस्टेंस, कितना एफर्ट लग रहा है, कितना एफर्ट मूव कर रहा है, तो 5x
अपॉन एक्स हो गया लोड, तो कैंसिल किया तभी पानी पानी जाता है। यहाँ पे अगर चाहो तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, वो कितनी आएगी, मैकेनिकल वोल्टेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, एंड दैट इज इक्वल टू तो यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं मेनली विच इज और ऑरिजिन से 100%। तो बेसिक मेरा फंडा ये था सिर्फ यहाँ पर कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज से मैं इसको समझाऊं कि पुली कैसे काम करती है। मैकेनिकल एडवांटेज से हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बनाया गया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। हम नंबर ऑफ पुलिस इसीलिए सेट कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि जितने ज्यादा हम पुलिस लगाएं हमारे काम उतना आसान हो जाए। आई बात समझ में? तो सिंपल भी कर सकते हो, 3 पुली लगाओ, 7 पुली लगाओ, 9 पुली लगाओ, इट इज ऑन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तुम पुलिस का यहाँ कॉम्बिनेशन बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, तो ऊपर वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, मैं इसका टेक्निकल नाम से लूंगा तो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये जो ऊपर वाला सिस्टम है ना, इतना वाला, ये इसके ऊपर ऊपर वाला पार्ट, ये 3 पुलिस वाला, या तो नंबर ऑफ पुलिस नीचे वाले पार्ट की इसके बराबर होगी या इससे ये कम होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ पुलिस इन द लोअर ब्लॉक, ठीक है, इस लोअर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस विल बी आइदर लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस इन द अपर ब्लॉक, या तो इसके बराबर होंगी या तो इससे कम होंगी, लेकिन इसकी यहां पर नंबर ऑफ पुलिस से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बस एक चीज गार्ड मान लो, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से याद करो, या नंबर ऑफ पुलिस या तो कम होंगी या इसके बराबर होंगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। चलो बस और कुछ नहीं है, आप डेफिनेशन से निकाल दिया, इस तरीके से ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम जितने क्वेश्चन करना चाहो करो, शॉर्टकट अगर फिर भी याद करना तो कर लो। अगर मैकेनिकल तुम्हें इसका निकालना है कि तुम्हारा फोर्स कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज और की फोर्स मल्टीप्लाई तुम एनटी अपॉन टी लिख देना, ठीक है, एनटी अपॉन टी और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, मतलब एन आ जाएगी वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ पुलिस जितनी होंगी, ठीक है, क्या लिख सकते हो कि मैं लिख देता हूं कि जितने नंबर ऑफ पुलिस है ना, जितनी नंबर ऑफ पुलिस उतना फोर्स मल्टीप्लाई, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ पुलिस होंगी उतना फोर्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि सीधा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पुलिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स मल्टीप्लाई, मतलब कि जितनी नंबर ऑफ पुलिस तुम लगा दोगे, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ पुलिस तुम लगा दोगे उतना टाइम्स तुम्हारा फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पुलिस का सारा कंसेप्ट यहाँ पर हमने कवर कर लिया। अगर आपको कुछ अभी भी दिक्कत है, कुछ कंसेप्ट में दिक्कत, आई थिंक होगी नहीं इससे आसान, मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं गया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में या पुलिस में, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मुझे बताइए। तब तक के लिए पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट।